एक साहब ने तहरीर फरमाया कि मंगनी पर जो वरसा होते हैं, जो वली होते हैं खातून और उस मर्द के, वो आपस में इजाब व कबूल कर लेते हैं, यानी तय कर लेते हैं कि हम इस बेटी की, इस बच्चे के साथ शादी करेंगे। ये एक तरह का वादा है, इसमें ना कोई हक महर है, ना कोई शरी गवाह है, ना कुछ और चीज़ है, मंगनी है, खितबा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी होता था। असल निकाह तो वो है जो आपने बाद में जिक्र फरमाया है कि लड़की से पूछा जाता है और फिर वली उसका मुकर्रर होता है, और लड़की तरफ से इजाब होता है, लड़के की तरफ से कबूल होता है, हक महर होता है। असल निकाह तो वो है, लेकिन जो पहला है ये सिर्फ एक दूसरे के साथ मुआहदा है, ताल्लुक है। अब मंगनी में ये जो तकरीब हुई है, ये वादा है, अगर शादी नहीं करेंगे तो वादा तोड़ने का गुनाह होगा, बशर्ते के रिश्ते में कोई कबाहत निकल आए, तो फिर तो नहीं होगा। रिश्ते में कोई कबाहत निकल आई, अब उसने वादा तोड़ दिया, उसने कहा जी उस वक्त तो लड़का ठीक था, अब ये ऐसा हो गया, उस वक्त लड़की ठीक थी, अब ये मामला पेश आ गया, लड़का अच्छा खासा था, हम अपने बच्चे का निकाह यहीं कर रहे थे, वो कहते हैं हमें ये कबूल था, लेकिन जब से ये चला गया अमेरिका या कहीं और चला गया है, तो अभी आएगा 10 साल बाद, हम अपनी बेटी को नहीं बिठा सकते इतने साल, वो उस अहद और पैमान को तोड़ते हैं, नहीं गुनाहगार नहीं होते। इसलिए कि उज़्र ऐसा पेश आ गया है जो वाकई माकूल है, जो दुरुस्त है, तो उज़्र की बिना पर मंगनी को तोड़ा जाए गुनाह नहीं, और उज़्र के बगैर तोड़ दिया जाए तो वादा तोड़ने का गुनाह मिलेगा। रह गई ये दूसरा निकाह, तो ये निकाह असल होगा, और अगर ये तो तोड़ेगा तो उसके लिए फिर तलाक है कि वो एक तलाक दे और लड़की इद्दत गुजारे और फिर उसका निकाह टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 तलाकें दे और 2 से ना बढ़े। सुन्नत का तरीका 1 तलाक देने का है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकें दी थी, जब भी 1 तलाक दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 से ज्यादा मरतबा यह हक इस्तेमाल नहीं फरमाया। सुन्नत भी यही है।